हेलो फ्रेंड्स, आपका आज की क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बच्चे काफी मेहनत कर रहे हैं पढ़ने के लिए, बट कुछ बच्चे इसके साथ कंफ्यूज भी हो रहे हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को लेकर 11th क्लास में। ठीक है, तो उनकी इस दुविधा को दूर करते हुए मैं आपको जो आपका लेसन फर्स्ट है फिजिकल वर्ड, इसके बारे में जो भी चीज इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने है उसके मैं आपको नोट्स क्लियर करा देती हूँ, नोट्स बनवा देती हूँ। इससे क्या होगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और जो हमारा क्लासेस चल रही है उनको हम थोड़ा सा होल्ड करके काम कंप्लीट अपना करते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों चैप्टर आपके साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। तो यदि आप इस तरीके से फिजिकल वर्ड एडिंग डाल दो, लेसन फर्स्ट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड हम साथ में कर रहे हैं तो हम इस पार्ट को उठा रहे हैं। फिजिकल वर्ड हेडिंग डाल दीजिए आप, सिर्फ फिजिकल वर्ड। इसके अंदर स्टार डाल के लिखिए द वर्ड, ऐसे आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी मैं, उनको आप ऐसे स्टार डाल के लिखेंगे द वर्ड साइंस। The word science originates from the Latin verb, L-A-T-I-N, Latin verb scientia, S-C-I-E-N-T-I-A, meaning to know. Okay? अब हम अगला डैश लगा के लिखेंगे साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना कि मैम अभी तो हम डायमेंशंस कर रहे हैं, तो डायमेंशन के बीच में हम ये क्यों कर रहे हैं। डायमेंशंस के जो हमने दो पार्ट है वो आपको दो यूज तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, दो एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन रह रहा है अपना। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको कराने से पहले आपको जो लेसन फर्स्ट में जो थोड़ा बहुत मैटर हमको कराना है वो मैं आपको कंप्लीट करा दूँ, जिससे क्या है कि बार बार मेरे पास कॉल और मैसेज नहीं आए इस चीज के लिए कि लेसन फर्स्ट का ये रह गया है। ठीक है, तो इससे क्या मुझे बड़ी असुविधा हो रही है, इसलिए मैं ये बीच में कराना पड़ रहा है मुझे। फिर लिखिए अगला डेज फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस, इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस। Which also includes other disciplines like chemistry and biology। बेटा इस चैप्टर के अंदर तो कुछ भी समझाने का नहीं है, तो इसलिए मैं आपको नोट्स कंप्लीट क्लियर बनवा रही हूँ। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हो कि इसमें समझाने जैसी चीज अभी है ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा इसको इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब जब करा ही रहे तो पूरा कराते हैं। अगला डेस द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। ओके, हेडिंग डालिए स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। लिखिए देयर आर
आर टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट लिखिए मार्कर को क्या हो गया ये माक्रोस्कोपिक और सेकंड है माइक्रोस्कोपिक माक्रोस्कोपिक और सेकंड है माइक्रोस्कोपिक पहली हेडिंग डाल दीजिए द माक्रोस्कोपिक लिखिए इट इंक्लूड्स फिनोमेना एट द लेबोरेटरी कॉमा टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए द माइक्रोस्कोपिक डोमेन लिखिए इट इंक्लूड्स एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेना स्टार डाल के लिखिए क्लासिकल फिजिक्स डील्स मेनली विद माक्रोस्कोपिक फिनोमेना एंड इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स लाइक मैकेनिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑप्टिक्स थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में तो हम पहले बता चुके हैं आपको, है ना, ये सब कंप्लीट करवा चुके हैं हम। फिर ये टॉपिक है आपका फिजिकल टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इसमें तो ये आपको एक टेबल दी हुई है, चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो, वरना याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना कि आर्किमिडीज ने क्या दिया था, गैलीलियो ने क्या दिया था, क्रिस्टलाइन हाइगेन ने क्या किया था, आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, ठीक है, माइकल फैराडे ने क्या किया था। तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, इसको आप कर सकते हो आसानी से। तो ये चीज तो बेटा आपके करने की है। हाँ, अगली हेडिंग डाल दीजिए फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इस चैप्टर में ये टॉपिक फिर भी काम का है। देखो इसमें आपको टेबल दी हुई है ना फोर्सेस के लिए भी, जैसे कि स्टीम आइजन वो इंजन, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन है, ये देखिए टेबल नंबर 1.2 की बात कर रही हूं मैं, कंप्यूटर्स डिजिटल लॉजिक के ऊपर वर्क करते हैं, लेजर्स लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। बुक खोल के जरूर से जरूर बैठे आप, आरबीएससी की बुक खरीद लें एनसीईआरटी पैटर्न की, और मैं आपको टेबल नंबर और ये सब कुछ बताती भी जाऊंगी, तो वहां से आप इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब फोर्सेस की बात कर रहे थे हम, तो वापस फोर्सेस पे आ जाते हैं, और फोर्सेस में लिखते हैं कौन कौन से फोर्सेस हैं, ठीक है। लिखिए देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। पहले आप पॉइंट लिखिए, पहला लिखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड लिखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ लिखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स।
तो फर्स्ट सेटिंग डाल दीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स। लिखिए द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, मास पे डिपेंड करता है। इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स, इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। इट प्लेज PLAYS, इट प्लेज a key role in the large scale, in the large scale phenomena of the universe. Such as formation and evolution of stars, comma galaxies and galactic clusters. Next heading, electromagnetic force. Electromagnetic force is the force between, electromagnetic force is the force between charged particles in the simpler case when charges are at rest. The force is given by Coulomb's law. ब्रैकेट में लिखिए अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस। जानते ही हैं अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्शन दिखाते हैं, एंड रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर इन जनरल इनसेपरेबल, मतलब इनको अलग नहीं किया जा सकता है। हेंस द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। Like the gravitational force, electromagnetic force acts over large distances and does not need any intervening medium. नोट डाल के लिखो इसके अंदर, ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटी तो सिर्फ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, व्हाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव
और रिपल्सिव। ठीक है, थर्ड लिखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लिखो। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस। इट इज एविडेंट दैट, एविडेंट मतलब गवाह है ये इस चीज का, ये इस चीज को प्रूफ करता है। इट इज एविडेंट दैट विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स अ न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल, अ न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक रिपल्सन बिटवीन इट्स प्रोटोन्स। The strong nuclear force is the strongest of all fundamental forces about 100 times the electromagnetic force in strength. वीक न्यूक्लियर फोर्स, अगली हेडिंग द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस, इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज द बीटा डिके ऑफ अ न्यूक्लियस। बीटा डिके ऑफ अ न्यूक्लियस इन बीटा डिके द न्यूक्लियस इमिट्स, द न्यूक्लियस इमिट्स an electron and an uncharged particle called neutrino. The weak nuclear force is not as weak as the gravitational force. बट मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स के जितना वीक नहीं है, बट मच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको फोर्सेस बता दिए है आज। ठीक है, इन फोर्सेस को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये फोर्सेस आपके काम भी आने वाले हैं और ये अच्छे भी है, ये टॉपिक जो है पढ़ने लायक टॉपिक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसको। थैंक यू।